नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। अब मौसम का पूर्वानुमान आपको 5 दिन पहले ही पता चल जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मौसम बिहार ऐप का अनावरण कर दिया है और इससे आपको घर बैठे मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार अब 5 दिन पहले ही किसान और आम लोगों को मौसम की जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इससे संबंधित मोबाइल ऐप मौसम बिहार का लोकार्पण किया। ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य बना है। तो कहीं ना कहीं बिहार मौसम बिहार ऐप लॉन्च करने का सबसे पहला जो है स्थान प्राप्त किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ये ऐप जो है अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी फसल की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे और मौसम की जानकारी उन्हें 5 दिन पहले ही मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ये सिर्फ शहरों में ही नहीं, आपके गाँव में, आपके पंचायत में भी ये ऐप अच्छे से काम करेगा, जहाँ आपको मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी भी मिल जाएगी। आपको बता दें कि सरदार पटेल भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ किए। इस केंद्र के द्वारा मौसम बिहार ऐप तैयार किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से पंचायत स्तर तक मौसम संबंधी पूर्वानुमान का कार्य बेहतर ढंग से किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर राजस्व ग्राम स्तर तक किया जाएगा, ताकि हर गांव के किसान इसका लाभ ले सके। वहीं आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी होने से राज्य में किसानों को खेती में सुविधा होगी, साथ ही बीजों की बुआई, फसल की कटाई आदि कार्य सही समय पर किसान कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि बिहार में हर वर्ष बाढ़, सुखाड़, शीतलहर, लू, चक्रवातीय तूफान, वज्रपात आदि से प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान माल की क्षति होती है। मौसम सेवा केंद्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान की सूचना प्रसारित कर लोगों को सतर्क भी किया जा सकेगा, जिससे कम से कम क्षति होगी। तो भारत का पहला ऐसा राज्य बिहार बना है जो मौसम बिहार ऐप लॉन्च किया है और 5 दिन पहले ही आपको मौसम का पूर्वानुमान मिल जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं ओलावृष्टि और बिजली गिरने से जो क्षति होती है उस क्षति को बचाया जा सकेगा। वहीं किसान जो होंगे उनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, वो अपने फसल की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे, समय रहते अपने फसल की कटाई और बुआई कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अच्छी पहल कही जा सकती। बिहार मौसम सेवा केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि यह केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इससे शीतलहर, ओलावृष्टि, कोहरे की भी निगरानी की जाएगी और उसका पूर्वानुमान भी लगाया जाएगा। इससे लोगों को सलाह एवं चेतावनी भी दी जा सकेगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार जो है पहला राज्य बना है जो कि मौसम बिहार ऐप लॉन्च करने में। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से मौसम के प्रभाव से फसल में क्षति होती है, वो फसल कहीं ना कहीं बच जाएगा, क्योंकि 5 दिन पहले ही मौसम का पूर्वानुमान लग जाएगा और किसान जो है सतर्क हो जाएंगे। वहीं ओलावृष्टि और बिजली गिरने से भी काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति होती है, जिसको कहीं ना कहीं अब कंट्रोल किया जा सकेगा, जानकारी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी मौसम बिहार ऐप के माध्यम से दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका अनावरण भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि तमाम चीज़ों की जानकारी आपके शहर में ही नहीं, आपके गाँव पंचायत और ग्राम पंचायत तक इस चीज़ों को पहुँचाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द सबों को मौसम की जानकारी मिल सके। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।